इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट जो बीहाइव सेक्शन की जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से लेसन टू का। लेसन टू में भी दो स्टोरीज है, जो सेकंड स्टोरी का पार्ट फोर या आखिरी पार्ट स्टोरी का चैप्टर का नाम है द सेनाई ऑफ बिस्मिल्ला का। सेकंड लेसन का सेकंड स्टोरी का नाम है ये। अब हम बात करते हैं कि हम जो बात करेंगे, अगर आप इससे पहले के वीडियोस के भी लिंक चाहते हैं, मतलब कि लेसन वन का या लेसन टू के जितने पार्ट आप नहीं देखा होगा या देखना चाहते हो, तो आप वो ऊपर दिए गए लिंक पे, अभी जो आपको दिख रहा है लिंक, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। तो वर्ड मीनिंग जो रहेगा वो अगर आप पैराग्राफ चेक करोगे तो चौथा जो पार्ट पढ़ा रहे हैं वो इन 2001 से लेकर नेशनल मॉर्निंग तक का जो पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ, वहाँ तक हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग है जो उस पैराग्राफ में आएंगे, हो सकते हैं जितना मैं 3-4 पैराग्राफ पढ़ाऊँगा तो कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूँ जिसका मीनिंग हो सकता है आपको ना पता हो या कुछ का पता हो। और हाँ, हो सकता है कि एक दो मीनिंग जो हो, जो बुक में दिया है वो थोड़ा अलग हो, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ थोड़ा अलग है, यहाँ मैं जनरल बता रहा हूँ, बुक में जो बताऊँगा तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में बताऊँगा। अवॉर्डेड मतलब होता है से सम्मानित किया, ठीक, किसी से आपको सम्मानित किया जाता है तो बोलते हैं ना अवॉर्डेड। हाईएस्ट मतलब उच्चतम, सिविलियन मतलब नागरिक, जैसे हम लोग नागरिक है ना, तो वही। कोवेटेड मतलब प्रतिष्ठित, बोलते बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ही इज़ वेरी कोवेटेड पर्सन, ऐसे हम बोल सकते हैं। रेस्टिंग मतलब आराम। फिर ग्लिंटिंग मतलब होता है झलकना, कुछ एक झलक देना, कुछ एक दिख जाना। रेयर मतलब दुर्लभ, रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर, एक अमीर होता है, फिर होता है उससे अमीर, फिर होता है सबसे अमीर। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद या नॉर्मल बावजूद। ऐसा कई बार हम बोलते हैं कि अगर इसके बावजूद भी तुम्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो मान लो किसी का नंबर 80% आता है तो उसके मम्मी पापा कभी ना कभी ऐसे कहते हैं ना, इसके बावजूद 80% आया, उसके बावजूद तुम्हें थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, तो इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते हैं इंग्लिश में। ट्रेवल्ड मतलब यात्रा किया। फाउंडली मतलब होता है अति स्नेह से, मतलब बड़े प्यार से, अगर आप किसी चीज़ की शौकीन होते हो तो फाउंडली होते हो आप। एक्सीडिंगली बोलते हैं, एक्सीड इंगली, तो एक्सीडिंगली है ना, थोड़ा वर्ड लंबा है इसलिए मुझसे भी गलत पढ़ा गया, इसको बोलते हैं एक्सीडिंगली, ठीक, इसका मतलब था निहायत, मतलब एकदम पक्का। प्रॉमिस मतलब वादा किया। रिक्रिएट बहलाना, रिक्रिएट मतलब दोबारा, उसका मतलब भी होता है बहलाना, किसी कोई कुछ हो गया तो बहलाते हो कि भाई ये मान जाओ। एक और होता है रिक्रिएट मतलब फिर से बनाना। और फिर रेप्लिकेटिंग मतलब होता है प्रतिकृति, यानी कि उसका प्रतिरूप, जैसे हम रेप्लिकेट, हमारा चेहरा रेप्लिकेट होता है ना आईने में, मिरर में, वैसे ही रेप्लिकेटिंग मतलब होता है प्रतिकृति। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, या तो आपको पता ही होगा। फिर रिमेंबर मतलब याद आया। वेन एवर जब कभी तुम कहोगे मैं आ जाऊँगा, तो वेन एवर यूज करते हैं। येनिंग मतलब तड़प। यूनिक मतलब अनोखा। कल्चर मतलब सांस्कृतिक। हेरिटेज मतलब विरासत। फिर हम बात करते हैं एफर्टलेसली मतलब सहजता से, नेचुरली सहज रूप से, मतलब प्रैक्टिकली बोल सकते हो या आपके अंदर वो चीज़ है पहले ही से, तो उसके बाद नेचुरली। प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबा चलना या बहुत लंबा होना, उसको बोलते हैं। इलनेस मतलब बीमारी। फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार। और डिक्लेयर्ड मतलब घोषित किया। फिर दोबारा वही वर्ड आ गया डिक्लेयर्ड। फिर लास्ट में मॉर्निंग मतलब था शोक। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम देखेंगे सारे वर्ड्स पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ अभी आने वाला है। तो अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सेकेंड लेसन सेकेंड पार्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, 11th पैराग्राफ हम पढ़ने जाने से पहले हम 10 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, चलिए 11th पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उनको अवार्ड दिया गया, उनको सम्मानित किया गया भारत के सबसे सर्वोच्च, मतलब सबसे सर्वोच्च तो एक ही बात हो गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, मतलब जो नागरिक को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा सकता है वो दिया गया, द भारत रत्न। तो भारत रत्न मतलब, रत्न मतलब जानते ही आप, डायमंड होता है या
बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट कोई भी हीरा, तो भारत का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हीरा उनको बोला गया या उनको ये अवार्ड दिया गया 2001 में, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। वो जो अवार्ड उनको जो प्रतिष्ठित अवार्ड जो उनको मिला था, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। और ये उनके चेस्ट मतलब ये अवार्ड मिलता है तो एक मेडल टाइप का होता है, तो वो जो उनके छाते पर ये मेडल जब पहनाया गया तो एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और जो जो उनके आंखों पे जो चमक आ रही थी तब जो उनके अंदर जो झलक रहा था, जो ग्लिंटिंग मतलब झलकना और रेयर मतलब होता है दुर्लभ कभी कभी, तो जो कभी कभी वो जिस तरीके से खुशी होती है वो खुशी उनको दिख रही थी, मतलब ऐसी खुशी वो बहुत कम हंसते थे, तो उस खुशी उनको दिख रही चेहरे पे ही सेड। और उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं मतलब मैं सब मिलाकर कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चे को संगीत सिखाओ, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये भारत का यानी कि हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट, रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, मतलब सबसे उच्चतम परंपरा है बोल सकते हो। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ मतलब है यहाँ तक कि द वेस्ट यानी कि जो वेस्ट के लोग हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया या उधर के लोग हो गए, ठीक है, तो वेस्ट के लोग भी अब आ रहे हैं, इज नाउ कमिंग, वो आ रहे हैं टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सुन सीखने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। सही बात है, कई लोग अब भी सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, आप देखते हो कि ट्रेडिशनल जो भारत का स्टाइल है डांस करने का, कथक हो गया या और जितने डांस फॉर्म होते हैं वो सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। चल इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। लिखा 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्चतम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। इस चीर प्रति चीर पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर अपनी आंखों से दुर्लभ प्रसन्नता भरकर उन्होंने कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह है अपने बच्चे को संगीत सिखाओ। यह हिंदुस्तान की संपन्नतम संपन्नतम मतलब सबसे परफेक्ट बोल सकते हो, सबसे संपन्नतम परंपरा है, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत सीखने आ रहा है, मतलब वहाँ के लोग आ रहे हैं। अब 12th वाला पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, तो मतलब पूरे दुनिया में ट्रेवल करने, पूरी दुनिया में यात्रा करने के बजाय खान साहब, खान साहब मतलब उनको लोग खान साहब कहते थे, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि वो बड़े प्यार से लोग उन्हें खान साहब कहते थे, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद, या तो उस्ताद कहते थे या तो बिस्मिल्लाह या तो खान साहब कहते थे, इस एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड धूमराव, और वो क्या कहते एक्सीडिंगली मतलब वो निहायत मतलब एकदम पूरी तरीके से वो फाउंड ऑफ बनारस, वो शौकीन थे बनारस के यानी बनारस में रहने के। बनारस क्या एक सिटी का नाम है वाराणसी में, मतलब वाराणसी नाम उसका पहले लोग बनारस कहते थे, अब भी लोग कहते हैं, ऑफिशियली अब बनारस हो गया है और वाराणसी तो कहते ही लोग, तो एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस, तो उसे उन्हें उनका जो शौक था वो था बनारस एंड धूमराव, धूमराव भी जगह का नाम है, वहाँ ये दो जगह उनको जाने का मतलब रहने का बहुत शौक था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत जो शहर हो सकता था, ये दो शहर उनको बहुत पसंद था, एक बनारस एक धूमराव, बहुत फेमस बनारस आपको पता ही है और धूमराव भी आप गूगल सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छा जगह है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA, स्टूडेंट ऑफ हिज वंस मतलब उनका एक छात्र वॉन्टेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल, वो एक शहनाई स्कूल मतलब जो छात्र था वो चाहता था कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है वो एक स्कूल बनाए इन द USA में, एक शहनाई वाला स्कूल यानी कि मतलब कि भाई म्यूजिक से रिलेटेड एक स्कूल USA में बनाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उसने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया, मतलब बच्चे ने वादा किया कि टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वो बनारस जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ पर बना देंगे बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स, ताकि वो रिप्लिकेट कर सके, रिप्लिकेट मतलब होता है प्रतिकृति बना सके यानी कि डुप्लीकेट बोल सकते हैं, तो वो डुप्लीकेट बना सकें किसका, तो वो कह रहे थे भाई आप USA आ जाओ, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे आप मतलब यहाँ स्कूल बनाओ आप, और उस लड़के ने प्रॉमिस किया कि वो रिक्रिएट करेगा, वो दोबारा जो है वो जो वातावरण बनारस का होता है
वैसा वातावरण वो बनाएगा जो रेप्लिकेट करेगा टेम्पल को, यानी कि टेम्पल को वो टेम्पल का डमी या टेम्पल का डुप्लीकेट बनाएगा। फिर देखिए आगे लिखा है, अब देखिए, बट देयर वहाँ पर, बट खान साहब आस्क्ड हिम, पर खान साहब ने उससे पूछा, अगर आपको क्लीन पिक्चर नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी अच्छी करिए, फिर भी नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ बुक के साथ पढ़ें ज़्यादा क्लियर होगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, पर खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ की, यहाँ इफ मतलब की, ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, वो उन्होंने कहा है क्या तुम ट्रांसपोर्ट करोगे, यानी कि तुम क्या जो गंगा है रिवर गंगा, क्योंकि आपको पता हो बनारस जो नदी है, बनारस जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे पड़ता है, तो क्या तुम जो रिवर गंगा है, जो गंगा नदी, क्या तुम उसको भी ट्रांसपोर्ट करो, क्या तुम उसको भी लेके जाओगे यूएसए में। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, आखिरी में ये मतलब को याद था, उन्होंने ये कहा था, देखो ये बात है, लेटर ही इज रिमेंबर्ड, अंत में वो याद रहें, रिमेंबर मतलब याद रहें, टू हैव सेड, यह कहते हुए वो याद रहें, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, यही कारण है, मतलब वो जो गंगा बहती हैं तो वो बाद में ये याद करते हुए लोग वो कहते हैं, दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई मतलब इसीलिए, वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं फॉरेन मतलब जब विदेश मतलब विदेश देशों में रहता हूँ, विदेश में रहता हूँ सिंपल, I keep yearning to see हिंदुस्तान, मैं लगातार yearning करता रहता हूँ, yearning मतलब होता है तड़पता रहता हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा तड़पता रहता हूँ to see हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए, while in मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, I think of only बनारस, तो मैं जब मैं बम्बई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और ये पवित्र गंगा उसके बारे में सोचता हूँ, सोचो एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस के बारे में तारीफ कर रहे हैं, तो सोचो कितनी मतलब कितनी अच्छी जगह होगी। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ धुमराव, तो वो जो धुमराव में बहुत फेमस मट्ठा मिलता है, बहुत ही मीठा पतला होता है, तो वो कह रहे मैं उसको मिस करता था, मतलब वो जहाँ रहते थे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को मिस करते थे, फॉरेन रहते थे तो हिंदुस्तान को मिस करते थे, हिंदुस्तान में भी वो नॉर्मली बॉम्बे में रहते थे कभी कभी, तो जब वो बॉम्बे या मुंबई में रहते थे तो वो याद करते थे किसको, बनारस को, और जब बनारस में रहते थे तो याद करते थे धूमराव को, ठीक, तो धूमराव यहाँ का उनका बेस जगह जहाँ से है, उनको तो हर कोई याद करता है, आपका जो जहाँ बेस है, आप जहाँ रहे हो, आप हमेशा उसको याद करते हो। हिंदी अनुवाद लिखा है, सारे संसार की ये यात्रा कर लेने के पश्चात भी खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, को बनारस और धूमराव से अत्यधिक प्यार है, तथा उनके लिए ये संसार से सबसे अद्भुत नगर है, उनका एक शार्गिद मतलब होता है शिष्य, उर्दू में शार्गिद कहते हैं, एक बार उन्हें यूएसए से एक सहनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहता था, भाई कि आप सहनाई स्कूल बनाओ, वहाँ पर आपको हेड बना दिया जाएगा, वहाँ आप भाई सब कुछ संभालोगे, और उस शिष्य ने कहा, जैसे मंदिर की सटीक अनुकृति करके वो बनारस का वातावरण पुनर्निर्मित करने का वचन दिया कि बनारस जैसा माहौल बना देगा, लेकिन खान साहब ने उसे पूछा कि क्या तुम गंगा नदी को भी ले जा सकेगा। बाद में उनका कहा याद किया जाता है, बाद में लोग मतलब लोग कहते हैं उनको ये जो कथन होता है वो याद रह जाता है, क्या कहा उन्होंने, यही कारण है कि मैं जब कभी भी किसी बाहरी देश में होता हूँ मुझे हिंदुस्तान देखने का की कामना होती रहती है, तो यर्निंग मतलब नॉर्मली तड़प होती है, लेकिन यहाँ हिंदी में उसको कामना कर दिया गया है, जब मैं बम्बई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डूमराव के अपूर्व मट्ठे की याद आती है, अपूर्व मतलब यूनिक है ना, उसकी याद आती है। अब लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, चलिए लास्ट मॉर्निंग वाला लाइन हेडलाइन नहीं हो पा रहा है, उसको कर देंगे हम हेडलाइन, तो लिखा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे पूर्ण उदाहरण है ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो एक उदाहरण है कि भाई कि भारत का जो कल्चरल, भारत का जो संस्कृति है, जो भारत की जो परंपरा है वो कितना रिच है, मतलब कितनी उच्च श्रेणी का है, यहाँ रिच मतलब अमीर नहीं है, मतलब उच्च श्रेणी का है। वंस
वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट द डिवोट मुस्लिम, कि कोई भी एफर्टलेसली मतलब बड़े सहजता से बड़े आराम से ये एक्सेप्ट करता कर सकता है दैट कि अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. कि ये जो डिवोट मुस्लिम है यानी कि देवोत से आए थे वो, इसलिए उनको देवोत मुस्लिम कहा जाता है, कि वो जो देवोत मुस्लिम है लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले, कि वो बड़े ही प्राकृतिक रूप से बड़े आराम से वो बजा सकते हैं द सहनाई मतलब सहनाई वेरी मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग सॉरी एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक दिन प्रत्येक सुबह वो बजा सकते हैं एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. आपको अगर नहीं पता है बता दूँ, बनारस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो वहाँ पे सोचो वो हिंदू मतलब मुसलमान होकर वो वहाँ पे सहनाएँ बजाते थे हर सुबह. वही लिखा है कि कोई भी ये बड़े सहजता से ये स्वीकार कर लेता था दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि कोई ऐसा जो डिवोट मतलब जो मुस्लिम चीज़ों को मानता है वैसा व्यक्ति कैन वेरी नेचुरली प्ले, वो बड़े ही प्राकृतिक रूप से मतलब बड़े आराम से बड़े सहजता से वो बजा सकता था सहनाई एवरी मॉर्निंग, सहनाई वो बजा सकता था हर सुबह प्रत्येक सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. काशी विश्वनाथ टेम्पल पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90. ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां पास्ड अवे मतलब वो गुजर गए अर्थात मर गए ऑन 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 90. 90 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस. प्रोलॉन्ग मतलब जो काफ़ी लंबा उनको जो बीमारी चली उसके कारण. ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको स्टेट फ्यूनरल यानी कि उनको राज्य सरकार के द्वारा अंतिम संस्कार दिया गया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. और जो भारत का जो मतलब जो देखो दो हमारे दो गवर्नमेंट चलते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट. एक जो मेन गवर्नमेंट है जो बड़ी गवर्नमेंट है जिसको हम बोलते हैं जो दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया को संभालती है, और एक जो आपके स्टेट को संभालती है. तो जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्होंने स्टेट फ्यूनरल मतलब जो इतना खर्चा गिरता है सब भारतीय सरकार ने सॉरी यूपी की सरकार ने खर्चा पूरा लगाया था, जो भी फ्यूनरल का खर्चा जो भी अंतिम संस्कार खर्चा हुआ था वो. और जो भारत सरकार थी उन्होंने डिक्लेयर किया था वन डे नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक. जैसे कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो लोग राष्ट्रीय शोक मनाते हैं, उस दिन कोई फंक्शन बड़े बड़े नहीं होते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो वो राष्ट्रीय शोक उस दिन मनाया गया था एक दिन का. हिंदी में देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जीवन भारत की संपन्न जो मैंने कहा था सांस्कृतिक विरासत वह मतलब बताते हैं वह जो कि निष्प्रयास स्वीकारती है, जो बड़े ही आराम से स्वीकार करती मान लेती है कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम, वही डिवोट मतलब जो कि वो जो भाई वो ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम चीज़ों को नहीं मानते थे, वो मुस्लिम चीज़ों को मानते थे भक्त मुस्लिम, प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में कड़ी बड़ी नैसर्गति मतलब उर्दू का इसका मतलब होता है बड़े आराम से सहनाई वादक कर सकता था, मतलब बड़े आराम से वो रोज़ रोज सुबह सुबह सहनाई करते थे. कितनी बड़े एक मुसलमान सोचो एक हिंदू मंदिर में सहनाई बजाता था कितनी बड़ी बात है, और बड़े आराम से कोई इसमें कोई आरोप नहीं लगता था कुछ नहीं लगता था वो बजाते थे. उस्ताद बिस्मिल्ला खां का 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी कारण देहावसान हो गया. देहावसान मतलब वही कि मृत्यु हो गई. उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया. राजकीय सम्मान मतलब होता है कि DM आते हैं या कितने कई सारे सरकारी अफसर आते हैं वो सैल्यूट करते हैं, पुलिस आती है वो भी सैल्यूट करती है. ठीक, फिर उनका अंतिम संस्कार होता है क्योंकि मुस्लिम तो भाई तो उनका मुस्लिमों की तरह अंतिम संस्कार हुआ होगा वो हुआ. तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, और उस समय जो भारत सरकार थी उसने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया एक दिन का. तो ये है हिंदी अनुवाद के साथ बिस्मिल्ला खां की स्टोरी. होप आपको समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छी बेसिक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि भारत किस लिए प्रसिद्ध है संगीत के लिए. ये बेसिक है और सहनाई इसीलिए ज़्यादा फेमस हो गई अब पिछले 50 साल से इनके कारण. ठीक, नहीं तो नॉर्मली वो शादियों में या तो मंदिरों में बजाई जाती थी. तो ये तो हो गया बात बिस्मिल्ला खां की. अगर आपको क्लास 9 पे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि
इनिशियल, अभी तो मैं वीडियो धीरे डाल रहा हूँ, ऐसा मत बोलिएगा कि सर लास्ट लेसन का वीडियो बताइए, अभी वो डालूंगा मैं। अब शुरुआती जितने भी तीन चार लेसन के वीडियो अगर आप चाहते हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आप दे दूंगा, चाहे वो पोएट्री का चाहे वो सप्लीमेंट्री का हो। ग्रामर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो की डिटेल मतलब कमेंट में, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। चलिए, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।